चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबर पंचायत। सीकर के लोसल के खूट कस्बे से आहिरो की झाड़ी तक बनने वाली डामर सड़क का शिलान्यास सांसद सुविधानंद सरस्वती करेंगे, जहां समारोह के मुख्य अतिथि घोड़ विधायक गोवर्धन वर्मा होंगे। बूंदी के केशवालपाटन में तेजादशमी के अवसर पर क्षेत्र में तेजाजी के स्थानकों पर मेलों का आयोजन हुआ, जहां हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ी। सीकर के लोसल इलाके में वायरल बुखार का प्रकोप हो गया, लोग बुखार से पीड़ित हैं, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र का आउटडोर भी 600 से ऊपर पहुंचा। भीलवाड़ा के बिजौलिया में चल रहे तेजाजी मेले के दूसरे दिन आसपास के क्षेत्रों से आए ग्रामीणों और किसानों ने खेती में काम आने वाले लोहे के औजार खरीदे, वहीं अन्य दुकानदार सुस्त ग्राहकी के चलते मायूस नजर आए। जयपुर के रेनवाल में अमन चैन की दुआ के साथ ईद की नमाज अदा की गई, जहां ईदगाह मस्जिद में सामूहिक रूप से मौलवी सोहेल अख्तर ने नमाज अदा कराई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में नगर सहित क्षेत्र में ईद उल जुहा का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां ईदगाह और दरगाह स्थित मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। अलवर के रामगढ़ में पीएससी क्षेत्र में वायरल का प्रकोप जारी है, कर्मचारी छुट्टियों में पीएससी बंद रखते हैं, पीएससी के 24 घंटे खुलने के आदेश हैं। कर्मचारी मुख्यालय पर नहीं रहते, मरीज परेशान हो रहे हैं, मरीज जुड़ा छाप डॉक्टरों के भरोसे हैं। झुंझुनू के पिलानी में लापता हुई महिला का शव मिलने के मामले में अभी तक पुलिस अपराधी तक नहीं पहुंच पाई, परिजनों में ग्रामीणों ने गिरफ्तारी की मांग की। पिलानी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, 23 अगस्त को नरहट से महिला चुड़ावा आई थी, महिला के घर नहीं लौटने पर मामला दर्ज करवाया गया था, लेकिन भागीने जोहर में महिला का शव बाद में मिल गया। झुंझुनू के खेतरी में एससीएल के क्वार्टर में फिर बड़ी चोरी हुई, चोरों ने फौजी के घर को निशाना बनाया। नकदी जेवरात सहित घरेलू सामान पर हाथ साफ किया, वहीं लाखों रुपए का सामान चोरी हो गया। खेतरी नगर पुलिस ने मौका मुआयना किया और आए दिन होने वाली चोरियों को लेकर मोहल्ले के लोगों में पुलिस के खिलाफ रोष व्याप्त है। बांसवाड़ा की गढ़ी पंचायत समिति में लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में हिंदी विषय का सेमिनार आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता ने हिंदी विषय का परिचय करवाते हुए हिंदी विषय की आज के परिप्रेक्ष्य में महत्ता विषय पर जानकारी दी। उन्होंने विभिन्न रोजगार के अवसरों से विद्यार्थियों को रूबरू करवाया। भीलवाड़ा के अजमेर मार्ग स्थित सुखाड़िया साइकिल पर चोरों ने एक पार्ट्स की दुकान से नकदी सहित 5 लाख से ज्यादा रुपए का माल चुरा लिया। इस वारदात से क्षेत्रीय व्यापारियों में रोष है, तो वहीं सुभाषनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भीलवाड़ा के जहाजपुर में मुस्लिम समुदाय ने आज कुर्बानी नहीं दी, ईदगाह पर सामूहिक रूप से नमाज अदा की गई। अब 14 और 15 सितंबर को कुर्बानी की रस्मों की, आज जलझूलनी एकादशी पर्व के चलते ये फैसला लिया गया। भीलवाड़ा जिले में जलझूलनी पर कोटड़ी चार बजनाथ के सबसे बड़ा आयोजन होता है। जामा मस्जिद के पेश इमाम मोहम्मद फरीद आलम ने आह्वान किया कि दोनों समुदाय के लोग पर्व सौहार्दपूर्ण मनाएं, सबका उद्देश्य है कि भाईचारा कायम रहे। बारा के शाहबाद में आदिवासी अंचल में पहली बार दशहरा मेले का आगाज होगा। केलवाड़ा सरपंच कौशल किशोर राठौर के प्रयासों से 5 दिवसीय दशहरा मेले की भव्य शुरुआत होगी। मेले की तैयारियों में पंचायत प्रशासन जुटा है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में जलझूलनी एकादशी पर नगर भ्रमण पर विवाड़ निकलेंगे। विभिन्न मंदिरों के विवाड़ों की महलों के चौक से शोभा यात्रा निकलेगी। पिवड़िया तालाब में विवाड़ों में विराजमान ठाकुर जी को झुलाया जाएगा। शोभा यात्रा को शाहपुरा श्याम सेवा समिति भव्यता देगी। देर शाम तालाब के बीच स्थित बगलू में आतिशबाजी होगी, तो पुष्कर के पंडितों द्वारा महाआरती होगी। बीकानेर के खाजूवाला में बीकानेर रेंज आईजी विपिन कुमार पांडे ने सीमावर्ती बॉर्डर के थाना खाजूवाला पहुंचे। इस अवसर पर खाजूवाला कस्बे में आवारा पशुओं, सीसीटीवी कैमरे लगाने सहित कई समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई। अजमेर के बड़िया गांव में मवेशी चरा रहे लोगों ने करीब 10 फीट लंबा अजगर देखा तो दहशत में आ गए, अजगर के बारे में ग्रामीणों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने स्थानीय सरपंच को इस घटना के बारे में अवगत कराया। मौके से सरपंच ने वन विभाग की टीम को सूचना दी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर पर काबू पाया और अजगर को पकड़कर वन विभाग के कर्मचारियों ने ले जाकर आबादी क्षेत्र से दूर छोड़ दिया। बीकानेर के नोखा में गज सुखदेसर गांव में मौन रखकर पर्यावरण प्रेमियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही नशा सहित अन्य बुरी आदतों को छोड़ने का भी संकल्प लिया। बीकानेर के कोलायत में कपिल सरोवर को विकसित करने के लिए मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि कपिल धाम को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के प्रयास होंगे। इसके लिए उन्होंने जिला कलेक्टर को प्रस्ताव बनाने की बात कही। उन्होंने कपिल सरोवर की साफ सफाई पर जोर दिया और कहा कि पानी में उपजी वनस्पति की सफाई करवाई जाए। उन्होंने कपिल सरोवर के पानी के बहाव क्षेत्र के खराब होने पर चिंता जताई और कहा कि जब पानी का बहाव क्षेत्र ही नहीं बचेगा तो सरोवर में पानी पहुंचे कैसे। बूंदी के कापरेन में विख्यात कापरेन डोल महोत्सव आज मनाया जा रहा है। जनरल सिंह नगरी में भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ेगा। बूंदी जिला मुख्यालय पर स्थित माता एवं शिशु चिकित्सालय में जननी सुरक्षा योजना की पोल खुल गई। फर्स्ट इंडिया की टीम ने अस्पताल के हाल जाने। यहां फैली अव्यवस्थाओं के बारे में कई बातें सामने आई। लोगों ने बताया कि प्रसूताओं को परिजन पैदल ही लेबर रूम तक ले जाते हैं।
आउटडोर में भी कोई चिकित्सक रसिकाओं को देखने के लिए मौजूद नहीं था। कई लोग सुबह से बैठे हैं लेकिन पूछने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादन केंद्र में दूध सप्लाई करने वाली सहकारी समितियों में दूध के दाम कम कर देने से गुस्सा फैल गया। इसके चलते सभी समितियों ने दूध सप्लाई रोक दी और डेयरी के आगे धरने पर बैठ गए। सुबह सभी समितियों के संचालक पदाधिकारी डेयरी के आगे पहुंचे और डेयरी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डेयरी के आगे धरना दिया गया और सुबह डेयरी में आने वाले दूध की सप्लाई भी नहीं की। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि डेयरी प्रबंधन ने बाजार में सरस दूध के दाम 2 रुपए बढ़ा दिए हैं, जबकि समितियों से खरीदे जाने वाले दूध के दाम 1.32 पैसे से 1.50 पैसे तक कर दिए गए। उनके अनुसार डेयरी प्रबंधन का यह रवैया अनुचित है, खुद ज्यादा फायदा लेकर दूध उत्पादनकर्ताओं को नुकसान दिया जा रहा है। सीकर के नीमका थाना में बैग में अज्ञात महिलाओं ने बैग के चीरा लगाकर 75,000 रुपए पार कर लिए। इस घटना की जानकारी दुकान मालिक को दी गई और कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। नागौर शहर के बख्तर सागर तालाब में देर रात को डूब जाने से एक युवक की मौत हो गई। युवक के शव को ढूंढने के लिए चलाए सर्च ऑपरेशन के 7 घंटे बाद सफलता मिली। युवक के शव को ढूंढने के लिए शहर सहित आसपास के 8 गोताखोर सर्च में लगे थे। पुलिस ने युवक की हत्या होने की भी आशंका से इनकार नहीं किया। तालाब से शव निकालने के दौरान उसके नाक से खून बह रहा था। जानकारी के अनुसार नागौर शहर के दयालपुरा निवासी ओम प्रकाश अपने दोस्तों के साथ बख्तर सागर तालाब शराब पार्टी करने गया था। वहीं मौके पर शराब की बोतलें भी मिली हैं। युवक के दोस्तों ने पुलिस को बताया कि शराब के नशे में वो तालाब में कूद गया था। उदयपुर के अम्बामाता थाना क्षेत्र के बड़ी गांव में डंपर ने स्कूटी सवार महिला को कुचल दिया। वहीं महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मंजू माहेश्वरी अपने पति के साथ स्कूटी पर मंदिर दर्शन करने गई थी। मंदिर से लौटते वक्त यह हादसा हो गया। इस घटना के बाद लोगों में काफी गुस्सा है। लोगों का आरोप है कि आए दिन भारी वाहन गांव के बीच से गुजरते हैं। वाहनों की रफ्तार इतनी तेज होती है कि कोई भी चपेट में आता है। अजमेर के केसरगंज में बकरा ईद पर जिले में उत्साह का माहौल दिखा। केसरगंज स्थित ईदगाह में मुख्य नमाज हुई। नमाज के बाद मुल्क में अमन चैन भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी गई। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को ईद की गले लगकर मुबारकबाद दी। ईदगाह पर लोगों को ईद की शुभकामनाएं देने के लिए कई सामाजिक संगठन और राजनीति से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। ईद पर्व को देखते हुए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए थे। लेकिन इन सभी दावों के बीच एक हकीकत यह भी है कि जालौर जैसे आदर्श रेलवे स्टेशन पर फिलहाल टॉयलेट की सुविधा भी नहीं है। भरतपुर के कोतवाली क्षेत्र में स्थित अनुजय नगर में एक 3 मंजिल इमारत में अचानक आग लगने से शहर में हड़कंप मच गया। और खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।